हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो बिजनेस स्टडी। ये है क्लास 12th के बच्चों के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर नेक्स्ट वीडियो। ये है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का सेकंड वीडियो और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट के बारे में और राइट ऑफ द कंज्यूमर के बारे में। यानी कि अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है ना, हम लोग अभी तक जो पिछले वीडियो में डिस्कस किए कंज्यूमर प्रोटेक्शन के मीनिंग के बारे में, कि आखिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता क्या है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है एज अ कंज्यूमर और एज अ बिजनेसमैन। यानी कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किस तरीके से कंज्यूमर को बेनिफिट पहुंचाता है और किस तरीके से एक बिजनेसमैन को बेनिफिट पहुंचाता है। और आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं लीगल एस्पेक्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, कि आखिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को यूज करते हैं तो किस तरीके का लीगल लीगल प्रोटेक्शन हमें मिलता है। और हम लोग ये भी जानेंगे आज कि कंज्यूमर के पास क्या क्या राइट है। आखिर जाहिर सी बात है, कंज्यूमर अपना हार्ड अर्न मनी, अपने पैसे को बहुत मेहनत से कमा कर किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने में वो खर्च करता है, और अगर उसके साथ किसी भी तरीके का चीटिंग होता है और उसको निग्लेक्ट किया जाता है तो ये बहुत बुरी बात हो गई। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के पास संविधान के द्वारा दिए गए बहुत सारे राइट्स हैं, उन राइट्स के बारे में भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली बात करें लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर की, तो देखिए क्या करा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड वेरियस लॉ एंड लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं सरकार के द्वारा। उसमें से एक लॉ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। यानी कि कंज्यूमर के पास क्या ड्यूटीज है, क्या पावर है, क्या अगर उसके साथ चीटिंग होता है तो क्या वो रेमिडीज ले सकता है, गुहार कैसे लगाएगा, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लिखा हुआ। ये एक्ट का क्या है, देखिए, इनएक्टमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्टेप लेना बहुत जरूरी था। द प्रोविजन ऑफ एक्ट केम इन टू फोर्स इन जुलाई 1987। 1 जुलाई 1987 से स्टार्ट हुआ। द मेन फीचर ऑफ दिस एक्ट आर, पहला फीचर क्या कह रहा है, दिस एक्ट हैज प्रोवाइडेड वेरियस राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंज्यूमर। ये एक्ट में कहा गया है वेरियस राइट, कि एक राइट मतलब होता है पावर, क्या पावर है एक कंज्यूमर के, एंड साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, एक कंज्यूमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है कि वो पक्का बिल ले, जांच कर परख कर, एडवर्टीजमेंट पे ब्लाइंडली विश्वास करके प्रोडक्ट ना खरीदे। अब जैसे फेयर लवली एचडी ग्लो दे रहा है, तो भाई एचडी ग्लो क्या होता है, हमको तो यही नहीं समझ में आता। तो आप ब्लाइंडली बिलीव कर ले रहे, अरे नहीं हम तो एचडी ग्लो वाला क्रीम लगा के आए हैं, आज तो पूरा ग्लो कर रहे हैं, तो कुछ ग्लो नहीं कर रहा, तुम्हारा बुद्धि भर नष्ट हो गया, बात समझे, तो ब्लाइंडली बिलीव नहीं करेंगे। अब कहता है 100 नींबू वाली शक्ति बर्तन धोने के लिए, तो ये क्या है, हैं 100 नींबू की शक्ति, ऐसा थोड़ी होता कि 100 नींबू तुमको दे दिया, 100 नींबू में वो बोतल पूरा बिक जाएगा बेचने लगा तो। चलिए सेकंड क्या कह रहा है, इट प्रोवाइड सेफगार्ड टू कंज्यूमर अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स, डेफिशियंट सर्विसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड अदर फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। देखिए कस्टमर को बहुत तरीके से चीट किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, जैसे अडल्टरेटेड प्रोडक्ट, मिलावट प्रोडक्ट आपको दे दिया गया, आपको डिफेक्टिव गुड्स दे दिया, एक्सपायरी प्रोडक्ट दे दिया गया, आपसे पैसा चार्ज किया मगर घटिया सर्विसेज आपको दे दिया, आप गए थे सलमान खान का मूवी देखने, आपको अक्षय कुमार का मूवी दिखला दिया और आप ज्यादा इंजॉय कर लिए है ना, सलमान खान का मूवी आप छोड़ दिए, तो ये भी एक तरीके का क्या है, बैड सर्विसेज है। ठीक है, द एक्ट हैज प्रोवाइडेड 3 ट्रियल रेड्रेसल एजेंसी वेयर कंज्यूमर कैन फाइल कंप्लेन। अच्छा, इस एक्ट में 3 ट्रियल रेड्रेसल एजेंसी, इसका क्या मतलब है, मतलब समझ लो कोर्ट है ये, 3 स्टेप में, डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड आपका
ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल की बात करें, तीन तरीके का रिड्रेसल एजेंसी है। आगे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और नेशनल क्या होता है। ठीक है, तो द एक्ट हैज प्रोवाइडेड थ्री रिड्रेसल एजेंसीज वेयर द कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेन। दीज आर डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। लीजिए, यहीं पे लिखा हुआ था, है ना, कि आप चाहे तो अपना गुहार डिस्ट्रिक्ट फोरम में लगा सकते हैं या फिर स्टेट कमीशन में या फिर नेशनल कमीशन में। तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये हम लोग आगे चर्चा करेंगे, मगर आप इतना तो ध्यान रख सकते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपको ये पावर मिला है कि आप अपना गुहार, अगर आपके साथ कोई चीटिंग किया गया है किसी भी सप्लायर के द्वारा, किसी भी सर्विसेज प्रोवाइडर के द्वारा, तो आप वहां पे अपना गुहार लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंज्यूमर राइट। बहुत ही आसान टॉपिक है कंज्यूमर राइट, कि एक कंज्यूमर के पास क्या क्या राइट है। तो देखो यहाँ पर आपको इलेबरेटेड फॉर्म में दिया है, हम यहाँ से नहीं, एक शॉर्ट कीवर्ड्स में जो है उनके माध्यम से पढ़ाते हैं आपको। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करें क्या क्या राइट्स हैं, तो राइट टू सेफ्टी है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू चॉइस है, राइट टू बी हियर्ड है, राइट टू सीक रिड्रेसल है, एंड राइट टू कस्टमर एजुकेशन, कंज्यूमर एजुकेशन है, कस्टमर नहीं कंज्यूमर एजुकेशन। तो आपके पास बेसिकली छह राइट हैं एज अ कंज्यूमर, आपके पास छह राइट्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं इन केस इफ यू आर बीइंग चीटेड बाय सम कंपनी फ्रॉम होम यू हैव परचेस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला है आपका राइट टू सेफ्टी। अब देखिए ये राइट टू सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान, सिंपल सा बात है भाई। आप किसी कंपनी का गुड्स खरीद रहे हो तो ये आपके, ये दुकानदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपको सेफ गुड्स प्रोवाइड करे, है ना, ऐसा गुड्स ना प्रोवाइड करे जिसको यूज करके आपके, आपको क्षति पहुंचे, आपका पेट खराब हो जाए या फिर आपको डैमेज हो जाए। अब जैसे मोबाइल की बात करें, मोबाइल आप चार्ज में लगाते मोबाइल फट गया, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंज्यूमर का सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपको सेफ प्रोवाइड करे, सेफ गुड्स प्रोवाइड करे, अडल्टरेटेड प्रोडक्ट प्रोवाइड ना करे जिससे आपको नुकसान हो। ठीक है, मिलावट का सामान ना दे। सप्लाई ऑफ सेफ गुड्स इट इज वायलेटेड व्हेन द कंज्यूमर सफर इंजरी सिकनेस आफ्टर कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट। और मान लीजिए आप कोई गुड्स कंज्यूम किए और आपको उसके बाद कोई किसी भी तरीके का परेशानी हुआ, यानी कि वो कंपनी राइट टू सेफ्टी फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन देना कि भाई जैसे अब मान लो हम तुमको कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो ये मेरा जिम्मेदारी बनता है कि हम आपको बताएं कि किस तरीके का प्रोडक्ट है ये, क्या क्वालिटी है, कौन यूज कर सकता है, कौन यूज नहीं कर सकता है, कब मैन्युफैक्चरिंग हुआ, क्या प्राइस है, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग हुआ, क्या प्रिकॉशन लेना है आपको जब ये यूज करेंगे, है ना। बहुत सारा क्रीम ऐसा आता है जिसको यूज करने के बाद सनलाइट में नहीं जाना होता है, तो वो चीज आपको शो करना पड़ेगा, यानी कि एज अ सेलर आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि कस्टमर को नेसेसरी इंफॉर्मेशन हम सप्लाई किए हों। सेलर और मैन्युफैक्चरर मस्ट गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट। इट इज वायलेटेड व्हेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन टू द कंज्यूमर और रॉन्ग इंफॉर्मेशन इज गिवन टू द कंज्यूमर अबाउट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपको गलत तरीके से समझाया गया, झूठ बोल के बेच दिया गया, तो ये चीज भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू चॉइस। भाई ऑप्शन आपको मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अगर दुकानदार के पास गए तो दुकानदार आपको बोल दिया देख लो बाबू जो है सो यही खरीदना है तो खरीदिए, और यही है आपके पास और कुछ आप खरीद नहीं सकते हो। राइट टू चॉइस मतलब कंज्यूमर खुद सेलेक्ट करे प्रोडक्ट को, ना कि आप उसको इंसिस्ट कर रहे हैं। अगर कोई दुकानदार आपको जबरदस्ती बेच रहा है, यानी कि वो राइट टू चॉइस को वायलेट कर रहा है, क्योंकि कस्टमर अपना हार्ड एंड मनी वो खुद डिसाइड करेगा कि हम कौन से प्रोडक्ट को खरीदें, कौन से प्रोडक्ट को ना खरीदें, है ना, किस प्रोडक्ट के साथ क्या हमको खरीदना है। कभी कई बार सेल्समैन क्या होता है, इंसिस्ट करता है कि प्लीज खरीदिए प्लीज खरीदिए, और जबरदस्ती का एकदम गोड़ हाथ पकड़ के चिपका देता है कि नहीं लेबे करिए, नहीं तो आज हम गोलट के यहीं पे जान दे देंगे, प्राण दे देंगे। तो वो वाला जो फीलिंग है ना, नहीं होना चाहिए। कस्टमर इमोशनली ब्लैकमेल
या फिर एकदम इंटेंशनली ब्लैकमेल की, आज तू ना ले बता तो जाए ना तो तरह अल्लाह मजाक मस्ती करे, वो चीज भी नहीं हो सकता। राइट टू चॉइस, प्रोडक्ट खुद सेलेक्ट करेगा कस्टमर, अगर उसको पसंद नहीं है तो वो आउटराइटली रिजेक्ट करेगा और आप उसको मना नहीं कर सकते। कस्टमर में मस्ट बी अलाउड टू सेलेक्ट द प्रोडक्ट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली खुद से विथ हिज चॉइस। वायलेटेड व्हेन, अच्छा ये वायलेट कब होता है, जब मार्केटर इंसिस्ट करता है टू बाय, खरीद लीजिए मालिक, खरीद लीजिए मालिक, तब ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा राइट टू बी हियर्ड। राइट टू बी हियर्ड कहता है कि अगर मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट खरीदे और आपको उस प्रोडक्ट के कारण प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, जैसे आप लैपटॉप खरीदे और लैपटॉप आपका काम नहीं कर रहा, हैंग कर रहा, स्टार्ट नहीं हो रहा, बंद हो जाता है बार बार, तो आपकी इस प्रॉब्लम को वो रिफ्यूज नहीं कर सकता है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा विद इन वारंटी पीरियड। और जब वारंटी खत्म हो जाता है तब तो फिर आपको अपने पैसे से बनवाना पड़ेगा। तो राइट टू बी हियर्ड मतलब आपको अगर किसी भी तरीके का गलत प्रोडक्ट थमा दिया गया, दे दिया गया, या फिर आप गलत प्रोडक्ट अच्छा मिला था मगर अब काम नहीं कर रहा है, तो फिर आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है सेलर की, है ना। और इस चीज के लिए हर कंपनी के लिए ये कंपलसरी है कि वो एक टोल फ्री नंबर दे जहां पर कस्टमर अपना कंप्लेन रजिस्टर कर सके। आप देखते होंगे कोई भी प्रोडक्ट खरीदिए वहां पे टोल फ्री नंबर रहेगा कि हाँ आपको अगर कोई दिक्कत है आप यहाँ फोन करिए, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आप तक पहुंचेंगे और आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, ठीक है। तो कंज्यूमर हैज द राइट टू फाइल अ कंप्लेन, इट इज वायलेटेड व्हेन मार्केटर मेक्स नो अरेंजमेंट फॉर फुलफिलिंग कंप्लेन एंड रिफ्यूज द एक्सेप्ट कंप्लेन ऑफ कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर का कोई कंप्लेन एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, रिफ्यूज कर दे रहा है सेलर, तो ये प्रिंसिपल वायलेट हो जाता है। द राइट इज फॉलोड व्हेन द मार्केटर गिव टोल फ्री नंबर टू फाइल अ कंप्लेन, टू फाइल अ कंप्लेन। और जब कोई सेलर सारा इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है या फिर टोल फ्री नंबर आपको दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये स्पेसिफाई हो रहा है कि हाँ ये जो है सेलर जो है राइट टू बी हियर्ड को, कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो अगर कोई केस स्टडी ऐसा रहे जहां पे टोल फ्री नंबर की बात हो रही है, तो समझ लेना कि वो क्या है, राइट टू बी हियर्ड के बारे में बोल रहा है। सेट अ स्पेशल काउंटर फॉर फाइलिंग अ कंप्लेन। कई बार क्या होता है कि कंपनी अपना एक ब्रांच में ही एक ऐसा लोकेशन सेट कर देता है जहां पर आपको अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है तो वहां पर जाइए और अपना कंप्लेन बॉक्स में लेटर डाल दीजिए। नायक मूवी में भी देखे थे, है ना, प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए आवाज अपना कंप्लेन बॉक्स रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल मतलब कि अगर किसी भी तरीके का आपको क्षति पहुंचा है तो वो कंपनसेशन आपको मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट यूज किया और आपको उसके कारण आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हुआ है, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना ये उसका कंपनी का काम है। रेड्रेसल मतलब होता है मेक गुड, जो गलत हुआ उसको सही करना, उसको कहते हैं रेड्रेसल, ठीक है। तो राइट टू सीक रेड्रेसल मतलब मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट खरीदे, आपका उस प्रोडक्ट के कारण घर डैमेज हो गया, या फिर आप उस प्रोडक्ट को यूज किया और आपको प्रॉब्लम हो गया, तो वो कंपनी आपका पूरा जिम्मेदारी उठाएगा और आपको उसका कंपनसेशन भी देगा और आपका ट्रीटमेंट भी कराएगा, सब कुछ करेगा, ठीक है। तो ये कहता है राइट टू सीक रिड्रेसल। तो किसी केस स्टडी में अगर ऐसा बोले कि कोई कंपनी जो है अपने कस्टमर के कंप्लेन के कारण वो उसको कंपनसेशन दिया, साथ ही साथ उसके साथ जो क्षति पहुंचा उसको भी सुधारा, तो ये आप कह दोगे कि हाँ ये कंपनी जो है राइट टू सीक रिड्रेसल कॉन्सेप्ट फॉलो किया है, और अगर इसको वायलेट कर रहा है तो ये भी हो जाएगा। एक्सचेंज, अगर प्रोडक्ट खराब मिल गया, मान लो गलती से, कई बार होता है भाई, कंपनी भगवान थोड़ी है, कंपनी बेचा, कंपनी का प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल गया, कस्टमर कंप्लेन लेके आया, कंपनी चेंज कर दिया, राइट टू सीक रिड्रेसल। कंपनी रिपेयर कर दिया, सीक रिड्रेसल। कंपनसेशन पे कर दिया अगर क्षति पहुंचाए तो, सीक रिड्रेसल। और विड्रॉवल ऑफ गुड्स फ्रॉम द मार्केट, या फिर मार्केट से गुड्स ही हटा दिया, जैसे नोकिया, नोकिया का बैटरी BL4C आता था पहले, BL4C, और एक आता था BL5,
5C, दो मॉडल आता था। तो BL5C में प्रॉब्लम आ गया था। BL5C का जो मॉडल था वो ब्लास्ट करता था, हीट करता था बहुत ज्यादा। तो नोकिया जो है पूरे इंडिया में जितना भी बैटरी BL5C का था सबको एक्सचेंज किया, कस्टमर से सबको एक्सचेंज किया और हर कस्टमर को नया बैटरी दिया BL5C के बदले। जो BL5C लेके जाता था उसको नया बैटरी दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके का क्या है, विड्रॉवल ऑफ गुड्स फ्रॉम द मार्केट, जो कि वो कंपनी क्या फॉलो किया, राइट टू सीक रिड्रेसल फॉलो किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट नोट, मेन डिफरेंस बिटवीन राइट टू बी हियर एंड राइट टू रिड्रेसल इज द राइट टू बी हियर इज कंसर्न रिगार्डिंग द फाइलिंग कंप्लेन एंड रिड्रेसल फोकस ऑन नेक्स्ट स्टेप रिजल्ट टू कंप्लेन कंपनसेशन। ठीक है, देखिए आप अगर कोई कंप्लेन फाइल कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए हम एक कंपनी चला रहे हैं और हम आपके कंप्लेन को एक्सेप्ट किए, तो ये हो गया राइट टू बी हियर्ड। ये राइट टू बी हियर्ड, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू हियर्ड में डिफरेंस क्या है सर। राइट टू बी हियर्ड में हम आपका कंप्लेन ले लिए, ये हो गया राइट टू बी हियर्ड, हम आपको सुन रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं। अब मान लो बार बार सुन रहे हैं मगर हम आपका समाधान नहीं ले रहे, तुम जब आते हो तब तुम्हारी बात सुनते, अरे बाप बहुत गलत हुआ, एकदम हम सही कर देंगे, मगर 4 महीना से हम तुम्हारा सही ही कर रहे हैं, ये तो गलत है ना। तो अगर हम तुम्हारे कंप्लेन को रजिस्टर कर रहे हैं, ये हो जाएगा राइट टू बी हियर्ड हम फॉलो कर रहे हैं, और हम तुम्हारे कंप्लेन को सॉर्ट आउट कर दिए, तुमको रिपेयर कर दिए, तुमको नया प्रोडक्ट दे दिए बदले में, तो ये हो गया राइट टू सीट के रिड्रेसल। ठीक है, चलिए, एंड लास्ट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। भाई एजुकेट करना कंज्यूमर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सरकार कहती है हर कंपनी को आप अपने कंज्यूमर को एजुकेट करिए, बताइए प्रोडक्ट के बारे में कि प्रोडक्ट क्या है क्या नहीं है, है ना। कंज्यूमर को अगर जितना एजुकेशन रहेगा वो उतने अच्छे से अपने गुड्स को सेलेक्ट कर पाएगा, अपने गुड्स को वेरीफाई कर पाएगा। तो अब कस्टमर को एजुकेट करने के लिए बहुत सारा तरीका है, एडवर्टीजमेंट है, एनजीओ के द्वारा माध्यम से कराया जाता है, टीवी मैगजीन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, कई सारा है ना, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। तो कंज्यूमर हैज द राइट टू बी इन्फॉर्म अबाउट द प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सबसे पहली बात तो भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि हाँ हमारे पास एक कोई एक्ट भी है जो हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है, यानी कि अगर आपके साथ कोई कंपनी चीटिंग कर रहा है तो कोई एक्ट है उसके लिए जिसको फॉलो करके आप अपना प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। ठीक है, सेमिनार कंडक्ट करवाइए और लोगों को समझाइए, कॉन्फ्रेंस कराइए, टीवी मैगजीन में एड डलवाइए, ये सब चीज। जैसे COVID-19 आया तो COVID-19 के प्रिकॉशंस के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया गया टीवी पे, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी। अब देखिए यहाँ पर कुछ नोट दे रहा है, द डिफरेंस बिटवीन राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन इज राइट टू इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म अबाउट प्रोडक्ट कंटेंट यूज एक्सेट्रा, वेयर एज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन इन्फॉर्म कंज्यूमर अबाउट देयर राइट। देखिए क्या कह रहा है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, एक है आप ऊपर पढ़े एक राइट टू इंफॉर्मेशन और एक पढ़े राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, दोनों में अंतर है। राइट टू इंफॉर्मेशन में आपको बताया जाता है कि प्रोडक्ट कब बना, क्या चीज से बना, किस कंपनी का प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है और एक्सपायरी क्या है, प्रिंट प्राइस क्या है। ठीक है, खाने से क्या होगा, क्या खा सकते हैं, कौन खा सकता है कौन नहीं खा सकता है, मतलब प्रोडक्ट के बारे में बताना, ही हो गया राइट टू इंफॉर्मेशन। मगर राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन में बताया जाता है कि एक्ट क्या कहता है, एक्ट में क्या लिखा हुआ है। प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक्ट के बारे में चर्चा हो रहा है कि एक्ट आपको किस तरीके का पावर एंड ड्यूटीज दे रहा है, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। एंड लास्ट कह रहा है इन राइट इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय मैन्युफैक्चरर सप्लायर एंड मार्केटर। और हाँ जाहिर सी बात है राइट टू इंफॉर्मेशन में क्या होता है, आपको इंफॉर्मेशन कौन देता है, जिससे आप खरीद रहे हो, मैन्युफैक्चरर सप्लायर और मार्केटर से। मगर राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन में इंफॉर्मेशन कौन देता है, गवर्नमेंट एनजीओ वगैरह देती है।
ठीक है, गवर्नमेंट ये कोशिश करता है कि लोगों को समझ में आए कि भाई किस तरीके का पावर एंड ड्यूटीज मिल रहा है इन लोगों को, कि किसी भी तरीके का अगर इनके साथ चीटिंग होता है, किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार होता है, तो अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वो किस तरीके से लीगली एक्शन ले सकते हैं। तो फिलहाल आज के क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।